नमस्कार। पिछली बार हमने कुछ ऑटोकैड के कमांड सीखे थे, आज फिर से कुछ कमांड सीखेंगे। मैं क्लास में काफ़ी बार बताता हूँ कि जो कोई भी विषय हमें पढ़ना होता है उसमें पहला ज्ञान होता है प्राथमिक ज्ञान, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे भाषा सीखनी होती है तो क ख ग सीखना पड़ता है या क का की सीखना पड़ता है। बाद में आपको जब ये 12 अक्षरी आ जाती है तब आप कब जोड़ाक्षर सीख जाते हैं और कब शब्द बनाने लगते हैं और वाक्य बनने लगता है पता भी नहीं चलता। लेकिन मूलभूत अक्षर सीखने जरूरी हैं। जैसे अपने किचन के अंदर अलग अलग मसाले होते हैं, अलग अलग डिब्बे होते हैं, किसी में नमक होता है, किसी में शक्कर होती है, किसी में गुड़ होता है, किसी में धनिया होता है, वो अलग अलग जगह रहता है। लेकिन जब हम रसोई बनाते हैं तो सबको मिक्स करना आना चाहिए। कुछ रसोई ऐसी होती है जब समझो खीर बनानी है तो उसमें मिर्ची नहीं डालते हैं और भजिया बनाते उसमें दूध नहीं डालते हैं। तो चीज़ ऐसी होती है, सब आपको रखना होता है, लेकिन जो भी रसोई बनाते हैं उसके हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन करना आना चाहिए। चीज़ डिब्बे में रखनी नहीं है, डिब्बे सिर्फ हमारे सुविधा के लिए है। ठीक इसी तरह से जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें सब अभी अभी अलग अलग डिब्बे कौन से वही समझ रहे हैं कि डिब्बे किधर है। तो मैंने पिछली बार भी आपको अलग अलग डिब्बे दिखाए थे। मैं आपको बताऊं कि वो डिब्बा कौन सा था। तो एक डिब्बा हमारा ये ड्रॉ का था, ये ड्रॉ वाला, ये ड्रॉ वाला जो डिब्बा है ये डिब्बा हमने सीखा था पहले। इसमें काफी कुछ चीजें हैं। तो ये एक डिब्बा है यही समझना है हमें, लेकिन जब रसोई बनाएंगे तब इसको अलग अलग जगह से लाके हमें हमारा काम करते रहना। ठीक इसी तरह से अभी दूसरा डिब्बा है वो कौन सा है, तो हमारा मॉडिफाई का डिब्बा था, तो ये मॉडिफाई का डिब्बा है, ये मॉडिफाई का डिब्बा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको मॉडिफाई। मैं अभी हाईलाइट मार रहा हूँ यहाँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाए। तो ये मॉडिफाई का जो डिब्बे है उसके अंदर मैंने कुछ कमांड भी आपको कराए थे, लेकिन सभी कमांड मैंने कवर नहीं किए। तो आज मॉडिफाई के डिब्बे में जो जो भी चीज़ें हैं उसमें से और कुछ सीखने का भी हम प्रयास करेंगे और उसके हिसाब से हमारा ड्राइंग और बेहतर कैसे बने ये सीखेंगे। तो आज भी मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई सैंपल लेके वो कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाने के बदले जो कमांड भाई मॉडिफाई में बाकी रह गए हैं वो सिखाता हूँ। इसके बाद ये जो एनोटेशन वाला डिब्बा है, ये वाला, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो इसमें टेक्स्ट सिखाया है मैंने, बाकी सब का सब कुछ बाकी है। और इनके सिवा एक आपका जो डिब्बा है लेयर का, जो मैंने पिछली बार आपको कराया था उसके मैंने 2 वीडियो भी डाल के रखे हैं। इसमें भी लेयर कैसे बनता है और इसको कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, ब्रिज कैसे करते हैं, लॉक कैसे करते हैं, उसकी कलर और लाइन टाइप और थिकनेस की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं वही सिखाया है। वरना उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो भी हमें सीखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें लेयर वाला है। इसके बाद एक डिब्बा और है जो ब्लॉक का है, ठीक है। ब्लॉक का डिब्बा जो है वो मैं हाईलाइट करता हूँ अभी, यहाँ दिख ही रहा है फिर भी मैं यहाँ प्रयास करता हूँ। ये ब्लॉक का डिब्बा है, ये भी आज समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे, ब्लॉक के डिब्बे में से भी कुछ लाएंगे। तो आज के हमारे लेक्चर के अंदर ब्लॉक और मॉडिफाई ये दोनों मिलाकर हम कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ पुराने कमांड है वो ऐसे ही बनाते जाता हूँ और उसमें जो कमांड बाकी है वो ऐड करके जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो सीखा है सबसे बेसिक कमांड, ये सर्कल का कमांड, सर्कल क्रिएट करते हैं कैसे हैं। सर्कल एक क्रिएट करता हूँ, उसका सेंटर पॉइंट डालता हूँ और उसका मैं वो देता हूँ रेडियस, रेडियस समझो मैं 250 का लगाता हूँ। तो ये 250 रेडियस का एक हमारे पास सर्कल बन गया। अभी कॉपी कैसे करते हैं वो भी आपको मालूम है, ये कॉपी वाला कमांड है। कॉपी क्लिक करते हैं तो पूछते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको माउस क्लिक करना है, अभी और कुछ क्लिक नहीं करना है तो आपको राइट क्लिक करके सब जाना है नेक्स्ट स्टेप पे। वहाँ पूछता है आपका बेस पॉइंट बताइए, तो मैं बोलता हूँ कि इसका बेस पॉइंट यहाँ है, यहाँ देख रहे हैं आप क्वाड्रेंट लिख रहा है, ये क्वाड्रेंट का सिलेक्शन कैसे आ गया ये समझना है तो यहाँ जाइए। ये जो चीज़ होती है यहाँ मैं क्वाड्रेंट पे टिक करके रखा है, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, मैंने एक बार लेक्चर में समझाया था आपके इतने प्रकार के ऑब्जेक्ट स्नैप है, उसमें एंड मिड और सेंटर समझाया था, लेकिन इस बार मैंने क्वाड्रेंट पे क्लिक करके रखा है
तो ये क्वाड्रेंट से लेके मैं यहाँ से यहाँ सेंटर तक जाता हूँ, तो ये की हो गया और मेरा कॉपी हो गया। अभी दूसरी बार भी कॉपी पूछ रहा है, लेकिन मुझे नहीं करना है, तो मैं कीबोर्ड का एस्केप का बटन दबा देता हूँ। तो ये एक छोटा सा काम हो गया हमारा। अभी समझो मैं एरे करना चाहता हूँ, एरे कैसे करते हैं पता है? यहाँ जाते हैं पोलर एरे, पोलर एरे करते हैं, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं किसकी एरे करनी, समझो इसकी एरे करनी है, इसकी एरे। और कुछ है नहीं, अभी पूछ रहा है सेंटर पॉइंट दिखाइए, तो मैं सेंटर पॉइंट में ये क्लिक करता हूँ, तो यहाँ छः कॉपी हो गई। लेकिन वैसे समझो छः नहीं चाहिए मुझे, मुझे तीन ही चाहिए, तो मैं यहाँ आइटम ऊपर लिखा है वहाँ छः के बदले, मैं समझता हूँ कि आप देख रहे होंगे यहाँ, लेकिन ये जो है ये वाला छः, यहाँ छः है, यहाँ तीन करना है, और बाद में यहाँ आपको क्लोज एरे, तो तीन बन गए। ठीक है, अभी आपको ट्रिम भी सिखाया था मैंने, ट्रिम कैसे करते हैं, यहाँ ट्रिम, ट्रिम यहाँ आप नीचे पूछ रहे हैं मुझे कि आपको क्या करना है, तो मैं सिलेक्ट ऑल दबाता हूँ, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल दबाने के बाद मैं जो जो भी सिलेक्ट करता हूँ वो सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होता है दिखाता हूँ मैं अभी एक, ठीक है, तो ट्रिम करके एंटर दबाया और मैंने क्लिक किया, लेकिन ना बोल रहा है ये ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, क्यों ना बोल रहा है? क्योंकि मैंने एरे किया हुआ है, मुझे यही दिखाना था आपको, ये ट्रिम करने के बाद मैं ट्रिम करता हूँ तो ट्रिम नहीं करने दे रहा है, यहाँ ये ना बोल रहा है मुझे। इसका मतलब है जो एरे करके हम काम करते हैं वो एरे वाला सब्जेक्ट एक पूरा का पूरा एक ब्लॉक जैसा होता है, वो तभी टूटता नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कमांड जो मैंने सिखाया था एक्सप्लोड, ये क्लिक करना है और उसके बाद मुझे एरे को सिलेक्ट करना है और एंटर दबा देना है। तो अभी ये टूट गया, अभी मैं ट्रिम करूंगा, ट्रिम और सिलेक्ट ऑल करूंगा, अभी वो कटेगा। देखिए एक गया, ये दूसरा भी गया, और ये तीसरा भी गया। ठीक है, तो एक ये सी चीज बन गई। तो जब भी हम कोई भी चीज बनाना चाहे तो ये जाने हुए कमांड थे। ठीक है, मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ, यहां से ये कॉपी और यहां से ले जाके इधर ले जाता हूँ, एक ये दूसरी इधर और एक इधर। अभी आपको पांच कॉपी दिख रही है। तो सबसे पहले वाला जो है ये तीन वाला है, अभी हम इसके बाद वाला दूसरा वाला है मुझे चार का बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा चार का? तो चार का बनाना है तो सबसे पहले यहां भी मैं वो निकाल दूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, ये जरूरी नहीं है, और बाकी का जो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहां निकाल दूंगा। अभी फिर से मैं यहां एरे करूंगा, पोलर एरे ये सिलेक्ट करूंगा, यहां रखा है मैंने, छह ही बन रहा है वो बाय डिफॉल्ट से, लेकिन यहां मैं चार कर दूंगा, तो चार का बन गए। समझो मुझे यहां पांच का बनाना है, कैसे करूंगा? इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको ट्रिम भी कर रहा हूं मैं, अभी पांच का बनाना है। अभी हर बार मुझे ट्रिम करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं यहां इसको मिटा भी दूंगा, डिलीट, और इसकी कॉपी कर लूंगा, कॉपी एक यहां से, एक दो और तीन, फिर से यहां मुझे करना है एरे, क्लिक एंटर सेंटर, चार हैं उसके बदले पांच, तो पांच वाला बन गया। अभी छह वाला बनाना है। अभी मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपके ध्यान में आ जाए, इसको एरे करना है तो आप पहले सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद भी आप यहां एरे दबा सकते हैं, ठीक है, और यहां सीधा सेंटर पॉइंट डाल के छह बन जाता है। छह वाला तो चाहिए, अभी तीन वाला, चार वाला, पांच वाला, छह वाला, और समझो सात वाला नहीं चाहिए, इस पे क्या रिपीट करने का, तो डिलीट कर देते हैं। तो ये सिलेक्ट करके हम डिलीट दबा के इरेज भी हो गया, ये चार चीज हो गई। अभी एक ही ड्राइंग में ये चार पड़े हैं, मुझे समझो यहीं से बैठ के दूसरे ड्राइंग नए क्रिएट करने हैं और हर एक का नाम देने, समझो इसको मैं सेव करना चाहता हूं सबसे पहले, तो क्या करूंगा, यहां सेव बटन दबाया, सेव, अभी पूछ रहा है, समझो इसका नाम मैं देता हूं फ्लावर,
फ्लावर, सिंपल फ्लावर नाम देता हूँ और सेव करता हूँ। फ्लावर जैसे ही लग रहा है इसलिए मैं कलर में नहीं जा रहा हूँ, ये सिंपल करके ही जा रही हूँ, ठीक है। वरना हमने कुछ पहले वो भी बनाए थे यहाँ लेयर, लेकिन ये लेयर वाला भी नहीं है, अभी सिंपल ड्रॉइंग ही है। अभी आपको लगता है कि मुझे सेपरेट सेपरेट फ्लावर चाहिए, तो ये आपने फ्लावर का ड्राइंग बना हुआ है, आप नया ड्राइंग बना रहे हैं और आप सोचते हैं कि वो फ्लावर वाला ड्राइंग मुझे यहाँ यूज करना है, यहाँ मुझे फ्लावर वाला ड्राइंग यूज करना है, तो कैसे करूंगा? तो जैसे मैंने बताया था यहाँ इंसर्ट कमांड आता है, मैंने बताया था ब्लॉक वाला भी सिखाऊंगा, तो इंसर्ट जैसे आप दबाते हैं तो आपको एक पूरा नया डायलॉग बॉक्स मिलता है कि आपको क्या इंसर्ट करना है। तो मुझे यहाँ वो फाइल ढूंढनी है, तो यहाँ ब्राउज करूंगा, ब्राउज करने के बाद वो फ्लावर बनाया था ढूंढना है, ये आ रहा फ्लावर, ये फ्लावर करके ओपन करूंगा मैं, तभी पूछेगा कि आपको ये चीज ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ये स्केल एंड रोटेशन, तो मैं यही स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन भी लिख रहा यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं पता मैं, और यहाँ मैं ओके करता हूँ, ओके, तब देखिए ये पूरा आ गया यहाँ। मैं जहां पे क्लिक करूंगा तो वही पूछता है इंसर्ट एक्स फैक्टर तो वन, इंसर्ट वाई फैक्टर तो सेम, एंगल जीरो। तो ये अपना ड्राइंग अलग था वो फ्लावर का, देखिए फ्लावर का ड्राइंग पड़ा है वो यहां पे, यहां मैं ड्राइंग सिक्स नया क्रिएट किया उसमें इंसर्ट करके वो कॉपी लेकर आया। लेकिन आपने गौर किया कि एक साथ चार आ रहा है, लेकिन समझो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार मुझे एक एक ही चीज लानी है, एक एक चीज बना के यहाँ लानी है, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तो उनके लिए एक दूसरा कमांड है जिनका नाम है डब्ल्यू ब्लॉक, डब्ल्यू बी एल ओ सी के, ये याद रखना है आपको। डब्ल्यू ब्लॉक करके आप एंटर दबाते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन सी चीज का ब्लॉक बनाना चाहते हैं, सोर्स ऊपर सोर्स पूछता है। तो यही ड्राइंग में से अगर कोई नया ब्लॉक आप क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और उसके साथ एक बेस पॉइंट भी देना है, बेस पॉइंट और साथ में ऑब्जेक्ट किस कौन कौन से लेंगे ये भी दिखाना है। तो ये तीन में से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके बेस पॉइंट में हम समझो यहाँ पिक पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ बताते हैं कि मुझे अभी जो करना है ये वाला बेस है, तो मेरा बेस आ गया बेस पॉइंट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन से ऑब्जेक्ट लेने हैं ये क्लिक करके मैं कहता हूं कि मुझे इतने ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट आ गए। नहीं ये अभी एक्सप्लोर करना बाकी रह गया है मेरा, ठीक है। ये यहाँ एक दूसरी चीज आपको मैं बताना भूल गया हूं, ये जल्दी में कभी हो जाता है, ये जब भी मैं इंसर्ट करता हूँ ये तब भी ये एक ही चीज होती है। यहां मैं लिस्ट करूंगा, ये हम करते हैं ना कंट्रोल प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ये लाइन सर्कल नहीं ये बोल रहे हैं ब्लॉक रेफरेंस है, ये ब्लॉक रेफरेंस पहले मुझे मिटाना पड़ेगा। इसके लिए भी मुझे ये वाला कमांड यहाँ जो लिखा है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर दबाना है और इसको क्लिक कर देना है और एंटर दबाना है। अभी ये अलग अलग चीज हो गई, अभी मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा ये सर्कल है, या दूसरी चीज को दबाऊंगा तो ये आर्क है। तो जब भी आप किसी भी ब्लॉक को इंसर्ट करते हैं उसके बाद अगर आप इंडिविजुअली यूज करना चाहते हैं उसको एक्सप्लोर करना जरूरी है, तब तक वो कंप्यूटर ये मानता है कि ये पूरा एक यूनिट है जिसने उसको बुलाया है, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकता। तो मैंने तोड़ के अभी एक्सप्लोर कर दिया, अभी मैं डब्ल्यू ब्लॉक करता हूँ, डब्ल्यू ब्लॉक एंटर। इसके लिए मुझे पिक पॉइंट बेस पॉइंट देना है, तो मैं यहाँ ये वाला पिक पॉइंट दिया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ से ये विंडो बना रहा हूँ, तो इतने सिलेक्ट हो गए। अभी ये पूछा है कि इसको क्या करना है, इसको रखना है या ब्लॉक बनाना है या ड्राइंग में से डिलीट करना है, तो मैं रखता हूँ अभी रिटेन। अब थोड़ा देखना मैं क्या क्या करता हूँ यहाँ रिटेन, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको फाइल नेम एंड पाथ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ साइड में और यहाँ लिखता हूँ FLO WER 3, तीन पंखड़ियों वाला फ्लावर, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ जो तीन पंखड़ियों वाला फ्लावर है वो आ गया और इंसर्ट यूनिट में मिलीमीटर रख के मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। तो अभी एक काम हो गया, अभी क्या हो गया
मेरे कंप्यूटर में जो मेरा बक्सा है वहां एक नया बॉक्स क्रिएट हो चुका है, एक ड्राइंग बन चुका है जिसका नाम है फ्लावर थ्री। अभी फिर से मैं डब्ल्यू ब्लॉक करता हूं, डब्ल्यू ब्लॉक और एंटर। इस बार ऑब्जेक्ट है मेरा पिक पॉइंट, यहां करके ये वाला पॉइंट लेता हूं और इसमें इस बार मैं करता हूं डिलीट फ्रॉम ड्राइंग और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, एंटर। इसका नाम क्या रखना है, यहां क्लिक करके FLOWER4, चार पंखड़ी वाला फ्लावर है, ऐसा करके मैं सेव करता हूं और ओके कर देता हूं। अभी इस बार मैंने डिलीट किया तो यहां से चला गया, इसमें मैंने लिखा नहीं, सही नहीं गया, लेकिन मैं बाद में डिलीट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गया। ठीक इसी तरह से डब्ल्यू ब्लॉक करके मैं एक और बेस पॉइंट बनाता हूं, ये लेता हूं, उसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, ये तीन डॉट्स दबा के मैंने उसका नाम रखा फ्लावर फाइव, सेव, और इसको भी डिलीट कर रहा हूं, मुझे काम नहीं है, कन्वर्ट टू ब्लॉक मुझे करना नहीं है, कन्वर्ट टू ब्लॉक करूंगा तो दूसरा चीज भी मुझे पूछेगा, वो आपको बाद में समझ में आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू ब्लॉक करके मैं फिर से एक बार सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्रम में भी जा सकता हूं, पहले सिलेक्ट कर लेता हूं ऑब्जेक्ट और इसमें मैं पिक पॉइंट बेस, इसका भी ये मिडिल पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, और यहां इसका नाम फ्लावर सिक्स रखता हूं, FLOWER6, सेव, और यहां ओके कर लेता हूं, ये सब चले गए, समझो ये ड्राइंग की भी मुझे जरूरत नहीं, मैं बंद कर देता हूं, सेव भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, ये फ्लावर है उसकी भी जरूरत नहीं, मैं इसको बंद कर देता हूं, लेकिन इससे पहले एक नया ड्राइंग खोल लेता हूं और ये बंद करता हूं, चलो सेव मुझे करना है, चलो कर देते हैं सेव। अभी ये जो नया ड्राइंग बनाया है, अभी कैसे होगा, मैं यहां इंसर्ट कमांड देता था और यहां ब्राउज करता था तो मुझे यहां लिस्ट मिल रहा है, उस लिस्ट में आप देखिए यहां मुझे अभी फ्लावर तो ऐसा आएगा, फ्लावर थ्री में, फ्लावर फोर में, फ्लावर फाइव, फ्लावर सिक्स, ये जो चीज है कोई भी, समझो मैं फ्लावर थ्री करके ओपन करता हूं तो यहां मुझे पूछेगा क्या करना है, ओके आ गया, ये फ्लावर थ्री आ गया। इंसर्ट करने के बाद मुझे सब नहीं आ रहे हैं, अभी मैंने फ्लावर थ्री बनाया था वह बना हूं वही, और ये भी देख रहे हैं कि मैं मेरा इंसर्शन पॉइंट चीज को पकड़ा किधर है, तो वहां जो मैंने बीच में पॉइंट दिया था उसको रेफरेंस पॉइंट, बेस पॉइंट, तो वहीं पे वो आएगा। अभी इंसर्ट में बोल रहा है कहां डालना है, मैं यहां डाल रहा हूं, क्लिक, ठीक है। अभी पूछ रहा है स्केल, स्केल कितना रखना है, स्पेसिफाई एक्स स्केल फैक्टर, तो एक्स स्केल फैक्टर जितना है उतना ही रखना है, तो मैं वन करता हूं। वाई स्केल फैक्टर कितना रखना है, तो जितना है एक्स उतना ही रखना है, और रोटेशन जीरो पे रखना है तो जीरो पे, तो ऐसे हो गया। तो मैंने जो जो काम किया है वो फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं, क्या क्या किया था मैंने। इंसर्ट करने के बाद एक्स फैक्टर वन रखा है, वाई फैक्टर में एक्स जितना ही रखा है, और रोटेशन है वो मैंने जीरो रखा है। अभी मैं फिर से यही चीज दोहराता हूं, लेकिन यहां एक्स फैक्टर वन है उसके बदले मैं 0.5 करूंगा, ठीक है, और यहां रोटेशन है जीरो, उनको मैं 30 करूं या 90 करूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है वो देखना है। हमने करना क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट के बाद यही चीज फ्लावर थ्री, अभी यहां दिखाएगा क्योंकि आपने डाला हुआ है, फ्लावर थ्री यहां क्लिक किया, मैंने बताया था वन के बदले 0.5 लिखना है, तो 0.5 मैंने लिखा है, मैं एंटर कर रहा हूं, वाई स्केल भी वही रखना है और डिग्री 0 के बदले 90 रखनी है, तो आप देखिए वो 90 डिग्री पे घूम गया, उसके पंखुड़ियां अलग अलग डायरेक्शन में हो गई, ये जो लेफ्ट साइड में है वो नीचे चली गई, मतलब ये ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इस तरह से आप जब भी कोई इंसर्ट कमांड यूज करते हैं तो किसी भी ड्राइंग को आप बुला सकते हैं, बुलाने के बाद उसको घुमा भी सकते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं आप और चीज भी कर सकते हैं, वो भी अभी देखते हैं।
इंसर्ट, ये फ्लावर थ्री, मैंने यहाँ उसको बुलाया, उसका ये यहाँ स्केल है पॉइंट, ठीक है वन, लेकिन बाई स्केल फैक्टर में 0.5 करता हूँ, और तो आप देखिए वो ऐसा दबके भी आ गया, इलिप्स बन गया। आपको जब समझो इलिप्स चाहिए कोई भी शेप, तो उसका एक्स फैक्टर वही का वही रहे, मतलब उसकी चौड़ाई वही रही, ऊंचाई कम कर दी। तो इस हिसाब से आप अपने ब्लॉक में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ तीन पंखुड़िया वाला, अभी मुझे चार पंखुड़ी वाला भी लाना है, तो इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद मोर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाना है, यहाँ फ्लावर ब्राउज, यहाँ करके फ्लावर थ्री था, उसके बाद मैंने फ्लावर फाइव सिलेक्ट किया और ओपन किया, यहाँ ओके किया, ठीक है। यहाँ यूनिफॉर्म स्केल अगर मैं करता हूँ, अभी यहाँ देखिए मुझे ये दूसरी चीज़ भी आपको सिखानी है, यूनिफॉर्म स्केल करता हूँ और ओके करता हूँ, सीधा आ गया वन। इस बार मुझे इसमें स्केल फैक्टर ही पूछा, एक्स और वाई नाम की जो चीज पूछ रहा था वो बंद कर दिया। क्यों? ये मैंने जो इंसर्ट करने के वक्त वहां बताया था कि जो भी इंसर्ट होता है वो एक्स और वाई दोनों सेम कर देना, मुझे पूछना मत, और एंगल जीरो, तो ये अपना आ गया। और याद रखिए इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते, आप लिस्ट करेंगे, लिस्ट करके करते हैं ना, LIST करके देखते हैं लिस्ट, ये कौन सी चीज है, एंटर करोगे तो ये पूछेंगे, ये ब्लॉक है, कंप्यूटर उसको ब्लॉक रेफरेंस से जानता है, और उनका नाम क्या है, तो क्या ब्लॉक फ्लावर फाइव नंबर करके है, फ्लावर फाइव, ठीक है। ये मैं प्रयास करता हूँ आपको जरा ज्यादा बड़ा दिखे, लेकिन नहीं आ नहीं रहा, ठीक है ओके। तो फ्लावर फाइव ये इतना होने के बाद अभी मुझे उसको वो करना है, यूज करना है, तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करूंगा, क्लिक किया, एंटर दबाया, तो इसके बाद अभी मैं लिस्ट करूंगा, तो अभी वो ब्लॉक नहीं है, ठीक है। ये जो बीच वाला है वो क्या है, एरे है, मतलब बीच वाली एरे मैंने अभी एक्सप्लोर नहीं की तो वो एरे दिख रही है, तो पिछली बार वो पूरा ब्लॉक था, इस बार वो एरे है, फिर से मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मतलब एक बार तोड़ते हैं तो जितने एलिमेंट है उसमें जाता है, लेकिन उसमें भी समझो कोई इंटीग्रेटेड चीज है तो उसको भी एक्सप्लोर, तो इसको एक्सप्लोर किया, एंटर किया, अभी लिस्ट करते हैं तो क्या दिखाता है, अभी आर्क आ गई। तो अब देखिए यहां मैं इसको एनलार्ज करके दिखाता हूं आपको, ये पूरा जो लास्ट वाला लिस्ट किया उसमें आर्क मुझे लगी, उसके पहले लिस्ट किया है उसमें मुझे एरे आ रही थी, उसके पहले वाला जो है उसमें वो ब्लॉक रेफरेंस आ रहा था। तो जब भी आप इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के वक्त आपने जो जो ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं उसी हिसाब से बाहर बनी हुई चीज हम अंदर बुला सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर बनी है तो ही आ सकती है। फ्लावर थ्री, फ्लावर फोर, फ्लावर फाइव, फ्लावर सिक्स, हमें छह बनाए हैं तो छह मिल जाएंगे, अभी फ्लावर सेवन करेंगे तो नहीं आएगा, वो हमारे बस में नहीं है। लेकिन इंसर्ट में देखियो, ये मैंने यहां दिया था तो यहां नीचे वाला जो है ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं मैं, ये बॉक्स दिखा था, एक मिनट ड्रॉ करके ही दिखा रहा हूं मैं, ये जो वाला है अपना यहां, ये देखिए ये इंसर्ट मैंने किया था फ्लावर थ्री, इसमें वो एक्स स्केल फैक्टर एंड वाई स्केल फैक्टर दोनों पूछ रहा है, और वाई पूछने के वक्त ये भी पूछता है क्या वो एक्स वाला ही रखना है, क्या नहीं रखना है तो आप अलग डाल सकते हैं, तो यहां ये था। लेकिन अभी जब हम दूसरा कमांड डालते हैं जो मैंने फ्लावर फाइव में, उस वक्त मैंने ऑप्शन चेंज किया था, यहां देखिए ये, तो उसमें इंसर्ट के बाद इंसर्शन पॉइंट लगाया है और बाजू में स्केल फैक्टर पूछ लिया उसने, सिर्फ स्केल फैक्टर उसने यहां जैसे पूछा है एक्स स्केल फैक्टर और वाई स्केल फैक्टर कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा है, सीधा स्केल फैक्टर, तो एक्स वाई दोनों ले लेगा, रोटेशन पूछेगा। तो इस हिसाब से हमें समझना है कि ये कैसे इंसर्ट होता है। मैं सब ये इरेज कर देता हूं, ये इरेज करने के बाद क्या होता है, यहां मैं इंसर्ट पे जाता हूं, मुझे दोनों चीज दिखाई दे रही, इसका मतलब है कि मैंने दो चीज की कॉपी मेरे ड्राइंग में रखी है, बाहर से मैं इसको कॉपी ड्राइंग में रख दी, तो आपको बाहर फिर से जाने की जरूरत नहीं है, मैं कॉपी आपको डाल दूंगा। लेकिन अगर फ्लावर थ्री और फ्लावर फाइव ये दोनों के सिवा आपको कुछ चाहिए तो आपको मोर ऑप्शन में जाना है और यहां ब्राउज करना है, ब्राउज होने के बाद फिर से आपको ढूंढना है
और वो ढूंढने के बाद आप समझो कि फ्लावर फोर लाना चाहते हैं, फ्लावर फोर के लिए ओपन कीजिए। यहां ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन कर रहा हूं इसलिए यहां बन रहा है और यहां यूनिफॉर्म स्केल किया है। अगर मैं यहां एक्सप्लोर भी दबा देता हूं तो हमने जो इंसर्ट करने के बाद जो एक्सप्लोर कमांड देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा, वो पहले से ही हम कह रहे हैं कि भाई एक्सप्लोर करके देना, तो यहां मैं एक्सप्लोर दबाता हूं ठीक है और यहां ओके कर रहा हूं। ओके करने के बाद यहां क्लिक, वन जीरो याद। तो अभी मैं इसको लिस्ट करूंगा तो ये ब्लॉक नहीं दिखाएगा, ये सर्कल दिखाता है, ये सर्कल ही। इसका मतलब है कि जब भी हम इंसर्ट कमांड दबाते हैं और कहीं पे जाते हैं तो यहां जो दिख रहा है इसका थोड़ा हमें पूरा स्टडी करना है। यहां भी है, आपको स्केल फैक्टर भी अगर डालना है तो यहां कुछ भी डाल सकते हैं ठीक है। ये स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन है, यहां करके आपको स्क्रीन पे मत स्पेसिफाई कीजिए ठीक है। तो यहां जो वन लिखा है तो वन का आ ही जाएगा। अगर आपको पता है कि मुझे हर बार स्केल डालना नहीं है तो आप यहां लिख दीजिए। रोटेशन भी आपको पता है हर बार मुझे जीरो ही डालना है तो यहां निकाल दीजिए, तो उधर हर बार पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको स्पेसिफाई पॉइंट पूछेगा। तो अभी देखिए ये ब्राउज करके सिक्स पे जा रहा हूं, ये सिक्स वाला भी वो भी बुला लेते हैं सिक्स ओपन ठीक है। उसमें मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, यूनिफॉर्म स्केल में जा रहा हूं और ये वन वाला आ रहा है। यहां ओके करूंगा सिर्फ मुझे पॉइंट पूछेगा और अपने आप दूसरा कुछ नहीं पूछेगा, क्लिक कर दिया बन गया। तो इंसर्ट कमांड यूज करने के वक्त मुझे क्या ध्यान में रखना है, ये जो ऑप्शन आ रहे हैं उसमें जो कुछ भी मुझे बारी बारी से यूज करना है उसी को यहां क्लिक करके रखना है। ज्यादातर इंसर्शन पॉइंट पे यह क्लिक रखना जरूरी है, कब जरूरी नहीं है वो जब आप एक्सपीरियंस आता जाएगा आपको पता चलता जाएगा ये कब जरूरी नहीं है कैसी कैसी चीजों में, वरना वो जरूरी होता ही है। लेकिन स्केल और रोटेशन में आप इधर उधर जा सकते हैं, तो इंसर्ट कमांड से आप दूसरा ड्राइंग कहीं पर बना हुआ है वो बुला सकते हैं। ये तो मैंने फ्लावर बुलाया, ऐसा जरूरी नहीं है, आप दूसरी चीज भी बुला सकते हैं। जैसे मैं ब्राउज करता हूं और यहां ये देखूंगा कि हमने ये ड्राइंग बनाया था या ये ड्राइंग बनाया था, ये बनाया था, ये बनाया था, तो जो चार नंबर का ड्राइंग यहां मैं ओके ओपन करता हूं और यहां करता हूं, ये आ गया, ये अपना टाइटल ब्लॉक यहां आ गया है ठीक है। तो टाइटल ब्लॉक भी मैं कभी भी बुला सकता हूं। अभी ये टाइटल ब्लॉक एकदम छोटा आ गया है, छोटा आ गया है। अभी मुझे उसको थोड़ा बड़ा बनाना था तो कैसे बनाऊंगा, तो उसके लिए यहां कमांड है ये वाला मॉडिफाई में स्केल। मैंने आपको बताया था मैं कुछ मॉडिफाई में से और कुछ ब्लॉक में से सिखाऊंगा, तो स्केल कमांड अभी मॉडिफाई वाला है। यहां स्केल करता हूं तो मुझे पूछता है नीचे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं इसको देता हूं कि भाई इसको मुझे स्केल करना है, मुझे छोटा दिख रहा है इसको मुझे थोड़ा बड़ा करना है, जूम नहीं करना है उस ऑब्जेक्ट को ही बड़ा करना है। जब हम जूम करते हैं तो क्या होता है, जैसे मैं बताता हूं ये जूम किया मैंने तो ये दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है तो मतलब वो सब चला गया है, वो भी जूम हो गया, ये मुझे जूम नहीं करना है, मुझे वो चीज वैसी की वैसी रख के दूसरा ऑब्जेक्ट उनके बराबर का बनाना है, तो ये स्केल करना है। स्केल करने के बाद मुझे ये सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद वो कुछ अभी भी सिलेक्ट करना है कुछ मुझे नहीं करना है, तो आपको माउस का राइट बटन दबाना है या कीबोर्ड का एंटर बटन दबाना है। अभी पूछेगा आप बेस पॉइंट दो, किसके आसपास स्केल करना है, कहीं पे सिलेक्ट करके अब उसको बोले मुझे पांच गुना कर दो, ये पांच गुना हो गया। इसका मतलब है दूसरे सब्जेक्ट उतने ही रहे, ये जितना था मैंने बुलाया था छोटा था तो उसको बड़ा कर दिया। तो स्केल कमांड से कोई भी चीज में इतनी बड़ी भी कर सकता हूं। ये स्केल है, ये स्केल फिर से मैं करूं, समझो ये स्केल किसको स्केल करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर से मैं सिलेक्ट करता हूं। अभी मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के सामने समझो पी लिखता हूं, पी मतलब प्रीवियस, पिछली बार जो मैंने किया वही करना है। पी दबाऊंगा, यहां आपको दिख रहा होगा नीचे, और मैं एंटर दबाता हूं तो वो सिलेक्ट हो गया, और बाद में एंटर दबाने से मेरा काम सिलेक्शन का पूरा हो गया, वो कंप्यूटर को मालूम पड़ जाता है, तो एंटर दबाया। अभी मुझे पूछेगा कौन सा रखना है, तो मैंने समझो यहां ब्रेस रखा है, वो बोल रहा दुगुना कर दो, ये दुगुना हो गया, यहां से मैं इसको साइज पे ले रहा हूं। अभी आपको लगता है कि ये मुझे और कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया है, उसको छोटा करना है, कितना छोटा करना है उसको भी आप एग्जैक्ट अमाउंट पे छोटा कर सकते हो। समझो कि मैं अभी इसका लिस्ट करके देखता हूं कि इस टेक्स्ट की हाइट कितनी है,
लिस्ट करके यहाँ मैं देखता हूँ तो कहता है ये टेक्स्ट है जिसकी हाइट 60 की है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 60 की या हाईलाइट, ठीक है 60 हाइट है। तो ये 60 की हाइट मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मुझे 60 के बदले वो 40 की हाइट रखनी है, ये पूरा है 60 के बदले 40 का रखना है, वो कैसे करेंगे? तो यहाँ फिर से स्केल, ठीक है अभी प्रीवियस करूंगा तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा देखिए पी दबाता हूं तो सिर्फ एक ही चीज सिलेक्ट होगी क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, प्रैक्टिस वाला सिलेक्ट हो गया बाकी नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे यहाँ फिर से यह सब विंडो ही डालना पड़ेगा, ठीक है और एंटर दबाया और यहाँ बेस पॉइंट पूछा तो मैंने बेस पॉइंट डाला, लेकिन अभी मुझे करना क्या था 60 की हाइट थी 40 की करनी है, तो उसके लिए यहाँ जो लिखा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर और कॉपी और रेफरेंस, वहां मैं यहाँ रेफरेंस पे जाता हूँ, रेफरेंस लिखता हूं तो पूछते कि रेफरेंस की लेंथ क्या है, तो मैं बोलूंगा 60 थी, एंटर, अभी क्या रखनी है 40 रखनी है और एंटर दबाए तो 60 का 40 हो चुका है। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद स्केल फैक्टर में कुछ लिखना नहीं है 1 या 0.5, हमें लिखना है रेफरेंस का आर, इसके बाद पूछते हैं पुराना कितना था, तो मैं बोलता हूँ 60 का था, नया कितना चाहिए 40 का था, ये जैसे आप पासवर्ड चेंज करें पुराना पासवर्ड डालिए नवा डालिए इस तरह से चेंज हो जाता है। अभी आप देखिए लिस्ट करके, लिस्ट ये साइज कितनी थी पिछली बार 60 की थी, अभी 40 की हो चुकी है, ये 40 की, तो इसी हिसाब से आप स्केल कमांड यूज कर सकते हैं। स्केल कमांड की काफी खूबियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये है, समझो मैंने ये यहां बनाया है 4 फ्लावर, उसको भी स्केल करता हूं मैं, स्केल यहां मैंने क्लिक किया यहां पे रखा, अभी मुझे पूछ रहा है बेस पॉइंट कौन सा चाहिए, तो समझो मैं यहां दे रहा हूं बेस पॉइंट यहां पे है, तो उसको मैं दुगुना करता हूं, ये दुगुना हो गया, लेकिन यही चीज को मैं स्केल ये सिलेक्ट करता हूं एंटर दबाता हूं यहां पे सिलेक्ट करता हूं 0.5 डालता हूं तो यहां पे काम हो गया, मतलब अब जो रेफरेंस रखते हैं वो वही काम वही रहता है और बाकी की चीजों को अपने ओर खींचता है या फेंकता है। मैं मानता हूं आपको समझ में आया होगा, आप कौन सा बेस पॉइंट लेते हो वो समझना जरूरी है, इसके लिए बोल रहा हूं कि स्केल फैक्टर जब आप डालते हैं तो आपको ये देखना है स्केल ये सिलेक्ट किया एंटर किया, जो जब बेस पॉइंट पूछ रहा है, मैं फिर से कहता हूं आपको ध्यान में रखना जरूरी है, बेस पॉइंट में समझो मैं यहां से करूंगा ये वाले कोने से और मैं बोलूंगा कि मुझे दुगुना चाहिए, तो ये पॉइंट यहीं का ही रहेगा और लेफ्ट साइड में पूरा बड़ा हो जाएगा ये, तो ये वहीं का रहा है, और अगर मैंने इसको बेस पॉइंट अलग जगह पे लिया, फिर से स्केल प्रीवियस एंटर, अभी मैं समझो इसका स्केल यहां ले रहा हूं ऊपर और बोलता हूं 0.5, तो ये इसकी अपनी ओर सिकुड़ेगा, मतलब जब मैं लेस देन वन स्केल करता हूं तो बेस पॉइंट अपनी ओर सबको खींच लेता है, और जब मैं वन से ग्रेटर स्केल रखता हूं तो बेस पॉइंट से दूर तक वो फेंकता है, बेस पॉइंट वहीं का वहीं रहता है, तो 0.5 करता हूं तो अपने वहां खींच लेता है, तो बेस पॉइंट आप कहां डाल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बेस पॉइंट के बगैर नहीं होगा। अभी और एक चीज है, स्केल करने के बाद समझो मैंने ये किया याला, इसका बेस पॉइंट भी दिया मैंने यहां पे, ठीक है अभी इसमें नीचे देख रहे हैं आप कॉपी रेफरेंस के बाजू में कॉपी, तो मैं यहां कॉपी दबाता हूं कॉपी, और अभी मैं बोलता हूं 2 का चाहिए, तो आप देखिए 2 का उसकी उस तरफ चला गया, एक अपनी जगह पे ही है और दूसरा उसकी कॉपी उसने दूसरी जगह पे बना दी, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसलिए आपको इसका महत्व समझ में नहीं आएगा, वरना मैं इसको बीच में से निकाल देता हूं। ठीक है अभी मैं स्केल करता हूं, स्केल यहां ये बेस पॉइंट और यहां कॉपी, ठीक है
तो अभी समझो मैं 0.5, 0.75 इसके हिसाब से जो भी बनाना चाहूं तो अपने आप वो क्रिएट करता जाएगा। ये भी एक स्पेशल प्रकार का कमांड है, यहाँ मैं अभी इसके डिटेल में ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्केल कमांड में बेस पॉइंट है वो अपने आप स्केल के हिसाब से अपनी और खींचता है या फेंकता है वन के साथ। तो ये स्केल कमांड का महत्व है, उसकी कॉपी करना चाहे तो ओरिजिनल रहेगा और बाकी का बढ़ता जाएगा। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो अपने आप वो बिट जाएगा ओरिजिनल से, ठीक है। अभी आपको मैंने मिरर कमांड भी सिखाया है, ठीक है। अभी मिरर कमांड समझो, मुझे इसका मिरर करना है तो कैसे करूंगा। मैं मिरर स्पेसिफिकली टेक्स्ट में सिखा रहा हूं कि जब भी आप मिरर करते हैं मिरर, उसका मुझे प्रतिछाया करनी है यहां से इस पर शुरू करते हैं। देखिए क्या हो गया, दिख रहा है कुछ, सब उल्टा हो गया। तो जब भी हम मिरर करते हैं सब कुछ मिरर हो जाता है, मिरर करते हैं सब कुछ मिरर हो जाता है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझो हमने इंसर्ट फ्लावर किया है, इसको हम जो मिरर करते हैं मिरर, और यहां क्लिक करते हैं और यहां से ऐसे करते हैं तो अपने आप वो बन जाता है, ठीक है, जैसा था वैसा उसका परछाया प्रतिछाया बन गई। लेकिन जब लिखा हुआ होता है वो भी मिरर होता है तो हमें थोड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे वक्त में क्या किया जाए, हम जो को मिरर करना भी है और उसका लिखा हुआ मिरर नहीं होना चाहिए, वो भी आपको चाहिए, ऐसा कुछ अवेलेबल है कि नहीं है, तो इसकी सुविधा भी ऑटोमेट देता है। इसके लिए आपको एक कमांड याद रखना है, MIRRTEXT, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आता है, जीरो है वन है उसको जीरो करना है, जब जीरो करेंगे ठीक है तो मिरर, ये मिरर हो गया। अब देखिए पूरा टाइटल ब्लॉक उल्टा हो चुका है, लेफ्ट वाला राइट में, लेकिन अक्सर सीधा आ गया। यही चीज है, ये ऑटोकैड हमें अच्छी तरह से हेल्प करती है इसमें। तो आप कभी भी कहीं पे मिरर कमांड यूज करते हैं तो सिंपल ऑब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं तो जब भी टेक्स्ट वाला कोई कमांड है, टेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको अगर मिरर कर रहे हैं तो आपको MIRRTEXT जो वैल्यू है उसको जीरो कर देने तो आप वो सीधा पढ़ पाएंगे। MIRRTEXT यहाँ जीरो दिखा है, तो जीरो के बदले आप वन दबाइए, वन दबाने के बाद आप जो मिरर करेंगे तो अभी वो उल्टा ही आएगा, ठीक है। ये मिरर कर रहा हूं मैं फिर से एक बार, देखिए उल्टा हो गया, ये सीधा नहीं, और ये यहां मैं दूसरे वाले को कर रहा हूं मिरर टेक्स्ट, वो जीरो पे रख के कर रहा हूं मिरर, इसका ठीक है, तो यह अभी सीधा हो गया। देखिए हमको कभी कभी भ्रम भी हो जाएगी इसमें सही वाला कौन सा है, ठीक है, हमारा सही वाला कौन सा है, ये जो हमने इंसर्ट किया था वो वाला, बाकी सब उल्टे हो चुके हैं। तो मिरर में हमने देखा, इसमें देखा, इसके सिवा अभी और एक भी चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबको मिटा देते हैं पहले, चलो हमारा जो इंसर्ट वाला फंडा है उसको लाते हैं यहाँ तीन करके, इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं पूरे को। अभी ये जो बना हुआ है उसमें हम ऐसा सोचते हैं कि इसका मैं पूरा सर्कल बना दूं तो क्या क्रिएट कर सकता हूं, तो एक ज्वाइन करके कमांड आता है, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, एंटर दें तो लिखा है ज्वाइन सिलेक्ट आर्ट टू, उसमें क्लोज पे क्लिक किया है, अब क्लोज करेंगे
तो सर्कल बन गया। तो कोई भी आर्क बनी हुई है उसको आप फिर से सर्कल बनाना चाहो तो ज्वाइन ऑप्शन से बना सकते हो, या मैं अलग आर्क बनाता हूँ, ये आर्क बनी हुई है और आप इसको ज्वाइन कमांड देते हो, इसको सिलेक्ट करते हो, ठीक है, ये आर्क बन चुकी है, आप आर्क को देख रहे हैं, मुझे लगता है आर्क दिख रही है आपको, ठीक है। ये आर्क मुझे फिर से सर्कल बनाना तो कैसे बनाऊंगा, तो इसके लिए हमें ऑटोकैड ये फैसिलिटी, ज्वाइन कमांड की फैसिलिटी देता है, तो दोनों एंड इकट्ठे मिल जाएंगे, ज्वाइन में दो अलग अलग एंड एक जगह पे आ जाते हैं, जे करके एंटर दबाइए, उसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन एट वंस, एक ही साथ में भी इकट्ठा कर दूंगा, चैलेंज दे रहा है, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं तो एक को ही सिलेक्ट करता हूँ। अभी पूछ रहे हैं और कोई ज्वाइन करना है, मुझे नहीं करना है, क्लिक करके तो पूछते हैं, अभी आप क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ क्लोज दबाइए तो सर्कल बन गया। तो आर्क में से सर्कल कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, तो बिना सर्कल कमांड दिए सर्कल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको एक बार पूछा था, उसके ये भी एक जवाब है, आप डोनट से ड्रॉ कर सकते हैं, आप फिलेट करके कर सकते हैं, और आप इससे भी कर सकते हैं, दिस इज द मेथड। ओके, तो ज्वाइन कमांड, ज्वाइन कमांड की ये भी है, समझो कि आपने एक लाइन बनाई है, यहां से ऐसी 500 की लाइन, और आप उसको सोचते हैं कि मुझको हमारे बीच में से तोड़ना है, ये मुझे बीच में से तोड़ना है, अभी क्या है, मुझे इसका आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, एक में से दो करने हैं, जैसे अपने घर में कोई ऐसा गन्ने लाता है सेरड़ी, उसका टुकड़ा करना है, ठीक इसी तरह से मुझे समझो इसका टुकड़ा करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इनके लिए एक कमांड है, उसका नाम है ब्रेक। आप ब्रेक कमांड देते हो, पूछता है किसको ब्रेक करना है, तो आप इसको दे सकते हो ब्रेक, ठीक है। अभी पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, आप दूसरा ब्रेक पॉइंट देना चाहते हो या फर्स्ट पॉइंट देना चाहते हो, तो आप बोलेंगे ये आप मैं फर्स्ट पॉइंट देना चाहता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट कहां है, इसके मिडल में, और दूसरा पॉइंट किधर है, वो भी वहीं का वहीं है, पहला पॉइंट था वहीं का वहीं, दूसरा पॉइंट है, तो आप देखेंगे अभी ये दोनों पार्ट अलग अलग कर दिए मैंने, दिख रहा है एक सा, तो पता कैसे चलेगा, मूव कमांड देता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, समझो मैं 200 जितना दूर ले गया। अभी लिस्ट करके देखिए, लिस्ट इसकी साइज क्या है, मैंने 500 का बनाया था, 250 की लेंथ हो चुके हैं, इसका लेंथ कितना है, इसका भी 250 का है, और अभी आप सोचते हैं कि मुझे इसका ज्वाइन करना है, GOIN ज्वाइन, पूछे किसको ज्वाइन करना है, बोलता हूं इसको और इसको ज्वाइन कर दो, और एंटर दबाता हूं, ये ज्वाइन हो चुका है, मतलब अभी इसको देखो कितना लेंथ है उसका, लिस्ट पहले 500 का बनाया था, 250 के टुकड़े किए ब्रेक करके, और फिर से उसको मैंने ज्वाइन किया है दूर लेके, तो अभी उसका लेंथ 700 का बन गया, देखिए 700 का है। तो ब्रेक और ज्वाइन का अपना अपना स्टाइल है। दूसरी बात है, समझो मैंने 700 का ये बनाया, उसका मैं उसके ऊपर मैं क्या करूं, इसके ऊपर नहीं करता, चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं, पहले मैं सबको मिटा देता हूं और मैं जरा इंसर्ट करके ये फ्लावर को लाता हूं, क्लिक करता हूं, एक्सप्लोर कर देता हूं, और मैं लिस्ट करके देख लेता हूं गाइस के यहां कि इसके हिसाब से करना में अच्छा लगा, 250 का रेडियस है तो इसी के ऊपर हम काम करेंगे। अभी आप देखिए, ये जो मैंने अभी तक ये बनाया था ब्लॉक, उसमें एक ये भी आपको दिखा दूं, BLOCK करके कमांड आता है, ब्लॉक करता हूं तो ये यहां मुझे कुछ और चीज भी पूछ रहा है कि आपको ब्लॉक में क्या क्या डालना है, लेकिन ये कमांड पे अभी मैं जा नहीं रहा हूं ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक कितने बने हैं वो देखना है, तो हम अलग तरफ से देखते थे इंसर्ट करके। अभी समझो मैं एक लाइन बनाता हूं, यहां से लाइन बनाता हूं, यहां से लेके समझो मैं 10,000 लेंथ की लाइन बनाता हूं, 10,000 की, लाइन क्लिक 10,000,
10,000 लेंथ की एक मैंने लाइन बनाई, ये पूरी बहुत बड़ी लाइन है। अभी मुझे व्यू नहीं करना है UCS आइकॉन को भी, तो यहाँ मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं एक कमांड दिखाता हूँ कि ये लाइन है हमारी 10,000 की, उसमें मैं 10 जगह पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालना चाहता हूँ, मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, उसका 10 टुकड़े करना चाहता हूँ उसको। तो मैं डिवाइड करूंगा, DIVID, डिवाइड करके एक कमांड आता है, डिवाइड करके एंटर दबाता हूँ तो पूछता है किसका टुकड़ा करना है आपको, तो मैं बोलता हूँ उसका डिवाइड करो। भाई बोलता है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, कितने चाहिए, मैं बोलता 10 चाहिए, मैं 10 दबाऊंगा, इसके 10 टुकड़े हो चुके हैं। वैसे रहेगा एक ही, लेकिन 10 जगह पर उसने एक एक पॉइंट रख दिया है। बोलेंगे सर दिख तो नहीं रहा है पॉइंट, तो ये नहीं दिखेगा कि पॉइंट कभी दिखता नहीं। वो देखने के लिए क्या करना है, मैंने आपको पिछली बार सिखाया था DDPTYPE, ये पॉइंट आपको करना है। तो मैं समझो ये ऐसा पॉइंट दिखा दो कि मुझे वैसा कहाँ पे मैंने काटे हैं वहाँ ऐसा सिंबल करके दिखाओ, तो ये दिखा दो। मैंने 10 टुकड़े करने थे इसलिए उसने 9 जगह पे ऐसे पॉइंट डाल के रखे हैं। तो आप देखिए 10 भाग में उसने उसका डिवाइड करके रखा उसको। आप जहाँ से भी लाइन ड्रॉ करना चाहें, समझो आपको लगता है मुझे पहले पॉइंट में से लाइन ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ से फिर से जाइए और कमांड दीजिए लाइन, और यहाँ ढूंढिए, लेकिन ये पकड़ेगा नहीं, ये एंड ही पकड़ता है, या मिड पॉइंट पकड़ता है, या एंड पॉइंट पकड़ता है, ये मुझे ये नहीं पकड़ रहा है पॉइंट। ये पॉइंट पकड़ने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ जाना है और उसका सेटिंग में जाके यहाँ मुझे नोड पे जाना है, ये नोड वाला क्लिक करूंगा, सर्कल नहीं है तो मैं क्वाड्रेंट निकाल देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ लाइन अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो अभी नोड से पकड़ लिया, देखो यहाँ आ गया, यहाँ 1000, ये 1000 की लाइन बना ली। ठीक है, आप कहीं से भी मतलब डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आप पॉइंट को DDP टाइप से देखने जैसा बना दीजिए, और जहां भी लाइन ड्रॉ करना चाहे वहां से आप वहां पकड़ सकते हैं। आपको लगता है मुझे दूसरे पॉइंट पे यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप सर्कल कमांड दीजिए, यहाँ पे चले जाइए, नोड चालू इसलिए पकड़ लेगा वो अपने आप, और अपने आप वो 500 का सर्कल भी बना देगा। तो डिवाइड से क्या कर दिया उसने, पूरे के पूरे को अलग अलग भागों में बांट दिया, उसने लोकेशन दे दिया, लेकिन लाइन एक ही है, लाइन अलग अलग नहीं है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। डिवाइड का दूसरा मजा है, डिवाइड करने के बाद ये पूछता है कौन सा इसको डिवाइड करना है, बोलता है इसको डिवाइड करो। अभी पूछते हैं एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट और ब्लॉक, तो मैं नंबर 10 के बदले यहां सीधा ब्लॉक दबाता हूं, ब्लॉक। तो ब्लॉक का नाम क्या था हमारा, FLOWER3। पूछ रहा है कि उसको घुमाना है क्या, कहा घुमाओ कोई बात नहीं, कितने करना है, 10 करना है, तो 10 जगह पर उसने ये रख दिए एक साथ। तो जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक को जो हम एरे बनाते थे ना, इसी बार मैंने एरे भी बताया था, तो ठीक इसी तरह से किसी लाइन को भी ब्रेक करके उसी जगह पे वो डाल सकता है। आपको हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी क्या हो कि आपके पास लेंथ मालूम है तो उसके बाद देखिए, उसके बाद वो डिवाइड कीजिए, उसका वैल्यू डालिए, उसके बाद वो एरे होता है। उनके बदले हम सीधा वो जो लाइन है उसके ऊपर 10 जगह, मुझे इसका 10 भाग करना है तो 9 जगह पर मुझे ये सब रखना है, तो रख दिया उसने। तो एरे जैसा है, लेकिन एरे से अलग क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट की लेंथ के हिसाब से वो अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं और घुमाता भी रहता है। जैसे ये मैंने अभी बनाया, ठीक इसी तरह से अभी एक दूसरा कमांड भी है डिवाइड की तरह। इसका लेंथ कितना है, 10,000 का, देखिए 10,000 का दिख रहा है। अभी मैं एक दूसरा कमांड देता हूं, उसका नाम है मेजर। फिर से बता रहा हूं कि जैसे हम किचन में अलग अलग डिब्बे होते हैं, वो डिब्बे समझ रहे हैं, ये डिब्बे अगर मालूम है तो जब रसोई बनाएंगे तब डिब्बे में से तज निकालना है, लविंग निकालना है, मरी निकालना है या मिर्ची निकालनी है पता चले। अगर घर में नहीं है तो उसके बगैर भी चलाना आना चाहिए। इसीलिए मैंने बताया था सर्कल कमांड नहीं है आपके पास तो कैसे करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर कोई भी कमांड नहीं है इसके सिवा भी आपको काम करना आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो जो डिब्बे है वो समझ रहे हैं। इसमें अभी मैंने डिवाइड समझा, डिवाइड के बाद एक मेजर है, मेजर में पूछ रहा है कि किसका मेजरमेंट करना है, मैं बोला इसको मैं मेजरमेंट करवाओ। ठीक, तो इसमें स्पेसिफाई लेंथ ऑफ द सेगमेंट। अभी मुझे पता है ये इतना बड़ा रोड है, इसके ऊपर मुझे मार्किंग करना है 750 के ऊपर या 666 के ऊपर,
तो आप 666 समझो कि कहीं भी डालते हैं 666 कर डाला मैंने, 666 के ऊपर डालो, तो इसने सबसे पहला खंभा अपने आज मेन जगह पे डाला, बाद में उसने मेजरमेंट किया यहां से दूसरी जगह 666 की लेंथ है वहां पे जाके दूसरा खंभा डाला, तीसरा डाला, इस हिसाब से ये पूरे 10,000 में कितने खंभे डालेंगे वो उसने कैलकुलेट करके डाल दिया। मुझे वो कितने डालने हैं वो भी नहीं देखना, कितने डालने हैं वो कैलकुलेट ऑटोकैड करेगा, जितनी लेंथ है वहां तक 666666 मेजर करता जाएगा और खंभा डालता जाएगा, बाद में जो बचा है वो हाँ डेल नहीं डाल सकता इसलिए नहीं डाला होगा। अभी हम यहाँ देखते हैं कितना है, तो डिस्टेंस कमांड से DIST डिस्टेंस कमांड डालते हैं, तो यहाँ पूछेंगे किसका डिस्टेंस, तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट कौन सा है, यहाँ नोड चालू है इसलिए पकड़ लेगा, देखो नोड पकड़ रहा है, तो कितना 666, ठीक है, इसका भी 666 है लेकिन यहां से ये 666 है, यहां से ये 666 है, अपने आप वो 666 पे डाल रहा है, जरूरी नहीं आपको मालूम ही नहीं था समझो कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, आपने डाला कि मेजर करके MESURE और इसको इसका मेजरमेंट करना है, मेजर कर रहा है, इसमें भी आप ब्लॉक डाल सकते हैं, ये ब्लॉक डाला और आपने इसमें कहा कि कौन सा डालना है, कि FLOWER इसमें 5 वाला डालना है, रोटेट करना है, यस करना है, इसके ऊपर डालना है 1000 में, तो मुझे मालूम है समझो कि मुझे इस बार 3300 पे डालना है, 3330 के ऊपर कितने आ जाएंगे, एक पहला दूसरा तीसरा और बाद में जो बचेगा वो बचेगा तो डाल दूंगा, तो पहला डाला दूसरा डाला तीसरा और यहाँ जो है कितना बचा है अगर आप देखना चाहो तो इसमें भी आप डिस्टेंस करके देख सकते हैं। डिस्टेंस पहला पॉइंट कौन सा है, ये वाला, उसके बाद वाला कौन सा है, इसका भी नोड आता है 3330 सब में आ गया, ठीक है, तो अपने आप वो बनाता रहता है, बाद में कितना बचा है यहाँ वो देखना है आपको, तो यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है, लाइन इधर से उधर ड्रॉ की है तो यहीं से भी देखेंगे, यहाँ उसका लेंथ कितना बचा 3330 में DIST, तो यहाँ एंड पॉइंट पे कितना बचता है वो देखना है, तो यहाँ देखिए ये मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ या विड्थ भी चेंज करता हूँ, इसका कलर में भी रेड कर रहा हूँ और इसकी थिकनेस में थोड़ी ज़्यादा कर रहा हूँ और इसकी थिकनेस ऑन कर रहा हूँ, तो पता चलेगा आपको कि ये 3330 के बाद जिसने रखा है तो लास्ट वाला पॉइंट यहाँ हाँ बच गया है, तो उसने मेजर करके कितना बचा है, तो 3330 था तो 3330 इंटू 3 करेंगे तो कितने होंगे, देखिए आप उसकी एक्यूरेसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कैलकुलेटर दिख रहा होगा आपको 3300 है इंटू 3 तो 9900 है, फुल हमारी 10,000 की विड्थ थी, ठीक है, तो 100 बचना चाहिए, तो यहाँ सेंटर से ये 100 का बचा है कि नहीं वो हमें देखना है, तो ये भी देखते हैं, ठीक है, तो DIST ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट देखिए 100 आपको शायद दिख रहा है, फिर भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो नीचे दिख रहा होगा डेल्टा एक्स 100, तो एकदम एक्यूरेटली डिवाइड से क्या करता है, जितना है उनसे डिवाइड कर देता है और जितने पीस आएंगे वो रख देगा, और मेजर से हम जितना मेजरमेंट कितना उतना रखता है, जितना बचता है उतना छोड़ देता है, वहाँ रखता नहीं, तो डिवाइड और मेजर में, और वहाँ भी वो ब्लॉक अलग अलग डाल सकता है, तो ब्लॉक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कभी छोड़ना मत, ब्लॉक के बगैर जिंदगी ही नहीं है ऑटोकैड में, ये समझ लीजिए, ब्लॉक आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी तक आपको ब्लॉक तो सिखाया ही नहीं है, वैसे मैंने आपको W ब्लॉक करके नया ड्राइंग कैसे करना वो सिखाया है और इंसर्ट कैसे करना वो सिखाया है, ब्लॉक में देखता हूँ आज संभव होगा तो सिखाऊंगा, तो ठीक इसी तरह से मैं अभी मॉडिफाई कमांड भी जा रहा था, अभी एक स्ट्रेच कमांड है ये भी देख लेते हैं, ये स्ट्रेच कमांड थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये थोड़ा समझना जरूरी है, समझो मैं यहाँ एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, पहले ये रेक्टेंगल में @500,250 का बना रहा हूँ, ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया है और इसको मैंने हेज करके भी रखा है, ठीक है, ये उसका सेटिंग भी मैं करके यहाँ उसका सॉलिड कर रहा हूँ और उसका कलर भी मैं यहाँ रेड रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया, अभी समझो मैं इसको थोड़ा 500x250 का है, बाद में याद आया मुझे कि ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया,
ये मुझे 500x400 का करना था, तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से उसको मिटाऊंगा, 500x400 का बनाऊंगा तो बहुत टाइम लेता है, उसको स्केल भी नहीं कर सकता हूं मैं, स्केल करने जाऊंगा तो मुझे मेरा दिमाग घूम जाएगा। तो इसी समय में मुझे ये स्ट्रेच कमांड काम में आता है। ये स्ट्रेच कमांड में जब क्लिक करता हूं तो मुझे ऑटोकैड पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाकी जब मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करता हूं उससे थोड़ा स्ट्रेच में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अलग तरीके से करना है। जब भी मुझे करना है तब मुझे उसमें क्रॉस वाली विंडो से ही स्ट्रेच करना है। तो यहां समझो मैं उसको बड़ा करना चाहता हूं, तो क्रॉस वाली विंडो कैसे सिलेक्ट होती है, आप अपना कर्सर है वो ऑब्जेक्ट के राइट साइड ले जाइए और किसी भी ऑब्जेक्ट को टच मत कीजिए और क्लिक कीजिए माउस से, बाद में आप आइए तो ये क्रॉस वाली विंडो है, आप देखिए डॉटेड डॉटेड वाली है। तो ये मैंने इतना करके सिलेक्ट कर लिया और बाद में एंटर दबा दिया। अभी पूछता है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं कहीं भी स्टार्ट कर सकता हूँ क्लिक, और मैं ऊपर जा रहा हूँ ऐसे और बोलता हूँ यस कितना था 250, करना कितना था 400, मतलब 150 उसको ऊपर ले जाना है, तो 150 करके एंटर किया तो अपने आप बन गया, तो मेरा काम आसान हो गया। जैसे रबर को खींच सकते हैं, स्ट्रेच करते हैं, हमारे कपड़े भी कभी स्ट्रेचेबल होते हैं, हमारी कभी जो ट्रैक पेंट होती है वो स्ट्रेचेबल, उसमें हम जिप नहीं होती है, मतलब वो क्या रबर वाली होती है, तो ठीक इसी तरह से हमारी जो ऑटोकैड की एंटिटी है वो रबर जैसी, हम उसको खींच सकते हैं और स्ट्रेच कमांड से खींचते हैं। लेकिन खींचने के वक्त आपको ख्याल क्या रखना है कि जैसे मैंने अभी उसको खींचा, बाद में अभी याद आया कि मैंने ये 500x400 का किया, लेकिन 500x400 नहीं करना था, मुझे उसको 700x400 करना था। तो अभी याद आ गया, ठीक है स्ट्रेच करो और इसको भी यहाँ ऊपर लो और यहाँ क्लिक करो और यहाँ क्लिक करो और इधर क्या कितना जाना है, अभी 500 का था तो 700 में 200 का, तो यहाँ क्लिक किया, बाद में एंटर दबाया और पूछ रहा है बेस पॉइंट, तो यहाँ क्लिक किया और अभी राइट साइड में जाना है 200 तक, तो मैं 200 तक गया इधर, तो देखिए ऊपर वाला ही पॉइंट गया, नीचे वाला पॉइंट नहीं गया। तो मैंने जब सिलेक्ट किया तब तो आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा वो जो विंडो है क्रॉसिंग विंडो वो दूसरे कोने को टच करने के लिए नहीं गया था, इसका मतलब उसने ये निकाला कि ये पॉइंट फिक्स है, मैं जितने कॉर्नर को मेरे विंडो के बीच में लाता हूं उतने ही कोने को वो खींचता है। वो किसको खींचता है, कोने को खींचता है, तो कोने को खींचने के बाद बाकी के साइड जो लगे हुए चीज है उसको वो वहीं का वहीं फिक्स रख रहा है और बाकी की लाइन को वो रबर समझ के खींच रहा है। अभी गलती कर दी है तो क्या करेंगे, तो फिर से स्ट्रेच कर दो, स्ट्रेच इसको अकेले को खींच लो, ठीक है। ये चली तो गया था गलत, ये मुझे ये नहीं करना था, ये स्ट्रेच वाला दबाना था, स्ट्रेच यहां से लिया, इतना लिया क्लिक किया, यहां गए इधर गए 200 दबाया हो गया। तो आपको दो बार स्ट्रेच करना पड़ा। तो आप जब भी स्ट्रेच करते हैं आप कौन सी विंडो लेते हैं वो इंपॉर्टेंट। स्ट्रेच कमांड आप यहां क्लिक करके भी ला सकते हैं या आप सिंपली एस करके भी ला सकते हैं, एस करके स्ट्रेच आ जाता है, एंटर दबा दीजिए स्ट्रेच चालू हो गए। आपको विंडो बनाना है, फिर से मैं एक बार विंडो बनाता हूं, यहां नीचे से कर रहा हूं, क्लिक किया ये विंडो स्टार्ट हो गया, अभी अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अभी मैं स्ट्रेच करूंगा तो एक ही कोना है, तो तीन कोने जो बाकी है वो फिक्स हो चुके हैं, इसको ही स्ट्रेच करेगा, ये अच्छा नहीं है। तो आपको क्या दोनों को विंडो में, दोनों कोने को विंडो में लेना, अगर ये ले लिया एंटर कर दिया, आप यहां से ले लिए और यहां समझो के 150 कर दीजिए, ये हो गया। तो स्ट्रेच कमांड से आप ऐसे बना सकते हैं और हेज भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, हर बार आपको सिलेक्ट करके कौन सा हेज बनाया नहीं बनाया वो जरूरी नहीं, एकदम सिंपल ऑब्जेक्ट था, समझो कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट भी है तो उसमें भी ये आपके लिए स्ट्रेच काम करेगा। तो मॉडिफाई कमांड में मैंने स्केल आपको सिखाया, मिरर टेक्स्ट वाला कंसेप्ट सिखाया और ये स्ट्रेच वाला कंसेप्ट सिखाया, और भी कुछ कमांड है ये भी अभी हम देख ही लेते। तो स्ट्रेच कमांड के बाद अभी हमें दूसरा कमांड देखना है, जो ट्रिम करते थे उसी तरह एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। मैं पहले इसको मिटाता हूं, अभी मैंने एक बार आपको दिखाया था ये वाली लाइन कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, मैं हॉरिजॉन्टल पे जाता हूं और 3-4 ऐसी लाइन बना देता हूं, ठीक है, वैसे वर्टिकल लाइन भी बना देता हूं। अभी जब हमें ट्रिम करना होता तो क्या करते हैं आपको बताएं, ये ट्रिम किया, सिलेक्ट ऑल को एक्सेप्ट किया,
और जो भी चाहिए इसको निकाल दो। ठीक है, समझा? इसे मैं कुछ बनाया, ड्रीम के वक्त आपको कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं। यहाँ समझो मैंने ये काट दिया है, या ये काट दिया है, ये काट दिया, मेज बना सकते हैं कुछ बनाना चाहो तो, गेम भी। ठीक है, लेकिन बाद में आपको याद आता है कि मुझे ये जिसे ट्रिम किया काट रहा हूं उस तरह मुझे उगाना भी है, उसको खींचना है दूसरी जगह। तो यहां समझो ये भी मैंने मिटा दिया है, ये लाइन जो है अभी मैं उसको भी कुछ कलर में बनाता हूं, ये रेड कलर की लाइन है। ठीक है, ये रेड कलर की लाइन को मैं कुछ एक्सटेंड करना चाहता हूं ये ग्रीन बाउंड्री तक। ठीक है, ग्रीन बाउंड्री तक मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं। मैं काटना था तो क्या कर रहा था, ट्रिम करके समझो यहां से ये काट दिया मैंने, लेकिन अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो उसके लिए कोई सुविधा है, तो ये सुविधा के लिए हमारे पास कमांड है EXTEND, एक्सटेंड करके दबाते हैं, और इसमें भी सिलेक्ट ऑल कहते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, तो यहां भी इमेज जिसको छूंगा वो एक्सटेंड होता जाएगा, जिसको भी पकड़ूंगा वो चला जाएगा आगे की ओर। ठीक है, तो ट्रिम करना है तो क्या करना है, आपको काटना है, एक्सटेंड करेगा तो क्या करेंगे वो अपने आप वो बढ़ता जाता है। तो ये ट्रिम यहां जो है, यहां बाजू में थोड़ा सा एरो है उसको क्लिक करते हैं तो नीचे एक्सटेंड भी दिखा रहा है। ट्रिम में क्या है, एक तरफ व्हाइट लाइन है, बाद में स्लैश दबाया है और बाद में टिक 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 काटा हुआ पार्ट है। इसमें क्या है, एक व्हाइट पार्ट है और बाद में जोड़ा हुआ पार्ट है और बाद में एक लाइन दिखाई है स्लैश करके, तो वहां तक हमें उसको जोड़ भी सकते हैं। और इसमें यह भी चीज है, आपने सर्कल भी अगर ऐसा बनाया है, समझो कि एक सर्कल बनाता हूं मैं, ऐसा यहाँ सर्कल बनाया है और इसको भी आपने समझो यहाँ ट्रिम कर दिया है इसे, इसमें भी आपको लगता है कि मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो इसको भी यहाँ ट्रिम वाला है, यहाँ जाके एक्सटेंड दबाइए, यहाँ सिलेक्ट ऑल है उसको एक्सेप्ट कीजिए और बाद में सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, वो अपने आप एक्सटेंड होता है, जरूरी नहीं। और सर्कल एक्सटेंड होता है इतना ही नहीं, आप अगर चाहो तो इसको यहाँ से इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ट्रिम कमांड है वो काटता है, इस तरह एक्सटेंड कमांड उसको उगाता है। कैसे उगाता है, उसका जो वेक्टर है वही वेक्टर इसी दिशा में आगे बढ़ता है। सर्कल है तो सर्कल अपने रेडियस के हिसाब से आगे बढ़ेगी, अपने कर्वेचर के हिसाब से आगे बढ़ेगी, और स्ट्रेट लाइन है वो सीधी अपने वेक्टर के हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो ये भी एक तरीका है। और इस बात ये भी बता दूं, एक्सटेंड चालू है, अभी एक्सटेंड चालू है, मुझे ट्रिम इसमें यही चालू करना है, तो इसमें थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आप शिफ्ट दबाते हैं और बाद में अगर यहाँ शुरू करते हैं तो ये एक्सटेंड चालू है, फिर भी मेरा शिफ्ट दबाने से वो अपने आप ट्रिम चालू हो गया। शिफ्ट में कीबोर्ड का उठा लेता हूं तो एक्सटेंड चालू है, मतलब जैसे हमारी ऑन ऑफ स्विच होती है ना, ठीक इसी तरह से कीबोर्ड की शिफ्ट चाप माउस क्लिक ऐसे ही करते हैं तो जो लिखा है वो होता है, और जो शिफ्ट दबाते हैं तो जो नहीं लिखा है वो होता है ऑपोजिट। तो ये कॉम्बिनेशन से चलता है, बेसिकली कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से ही काम करता है। तो हमारा इनपुट डिवाइस दो है, जनरल डोर कीबोर्ड और माउस, तो ज्यादातर हम माउस से यूज करते हैं, मैं माउस ही क्लिक कर रहा हूं, देखो ये क्लिक किया है। तो ये एक्सटेंड एक्सटेंड नहीं हो रहा है, लेकिन मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये काटे, ये काट लिया, ये इसको भी काट देगा, जरूरी नहीं है ये सबको। तो एक्सटेंड करना है तो इसको एक्सटेंड भी कर देगा। तो एक्सटेंड कमांड एक ऐसा है। दूसरी चीज, मैंने आपको जो रेक्टेंगल बनाते थे उस वक्त समझाया था, तो फिलेट क्या होती है और
चैम्फर क्या होता है, फिर भी यहाँ एक बार इसका छोटा सा डेमो करना जरूरी है, क्योंकि सेपरेट कमांड की तरह हमें दे रहे हैं ऑटोकैड में, और यहाँ हम देख रहे हैं ये यहाँ पे दिया हुआ है फिलेट ट्रिम वाला है उसके नीचे ही, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आता है फिलेट चैम्फर एंड ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व की जरूरत नहीं, लेकिन ये दो कमांड हमें थोड़ा जरूरत पड़ेंगे मैकेनिकल के ड्राइंग में। तो समझो आपने एक लाइन बना के रखी है यहाँ से इधर से उधर, समझो कि 250 की एक लाइन आपने इधर से इधर बना के रखी है लाइन, दूसरी सिंपल यहाँ से ये 150 की। आप ये दोनों लाइन को अगर फिलेट से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो समझो मैं यहाँ फिलेट, ये फिलेट इसको क्लिक करता हूँ तो पूछता है कि आप कौन सी कितनी रेडियस रखनी है, सबसे बोल रहे हैं ट्रिम मोड ऑन है और रेडियस जीरो है, और मैं इसका दोनों को सिलेक्ट करूंगा इसको और इसको, क्लिक और क्लिक, तो दोनों एक साथ मिल जाएगी, ये यहाँ से शुरू करेगी वो वहाँ से शुरू करेगी, और जहाँ मिल गई तो मतलब हो गया ज्वाइन ज्वाइनिंग हो गया। लेकिन जब फिलेट देते हैं उसमें अगर आपने रेडियस डाला हुआ है, और यहाँ समझो कि मैंने उसका 25 का रेडियस डाला हुआ है, और अभी मैं उसको सिलेक्ट करूँगा, समझो ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ 25 की रेडियस बन जाएगी तो मिलेगा, लेकिन दोस्त दूर रहेंगे तो दोनों अपने अपने रास्ते से मुड़ेंगे और इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये फिलेट से चलता है। अभी फिर से मैं फिलेट दबाता हूँ, उसमें रेडियस है 25 के बदले समझो मैं 100 की देता हूँ, ठीक है, और ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, तो पिछली वाली रह गई, वो तो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से फिलेट से अभी कोई भी लाइन है उनके दोनों को ज्वाइन करने की प्रोसेस है। तो जीरो करेंगे तो एग्जैक्ट राइट एंगल पे कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन जो रेडियस रखेंगे तो जिस हिसाब से हमने रेडियस डाली है उस हिसाब से वो कनेक्ट हो जाएगी। अभी हमने जो डाली थी उसकी रेडियस को भी लिस्ट करके देख लेना है, तो वो भी आर्क जनरेट करेगा, आर्क 100 की रेडियस है। तो फिलेट से हम आर्क बनाते हैं। अभी उसमें एक दूसरी चीज भी है, समझो मैं इसको फिलेट रेडियस उसकी जीरो डालता हूँ और यहां से उसको कनेक्ट करता हूं तो इकट्ठा हो गई, फिलेट रेडियस और मैं 100 डालता हूं तो यहां से वो बन गई। लेकिन एक चीज इसमें जानना जरूरी है कि इसमें मैंने ट्रिम करके जो मोड है वो अपने आप ऑन रखा है। बेसिकली ये ऑपरेशन क्या करता है जब मैं फिलेट कमांड देता हूं, तो आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि वो क्या करता है, एक सर्कल ड्रॉ करता है, ठीक है, सर्कल, ये सर्कल टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला, क्लिक, इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है और रेडियस 100 डालना है, ऐसा बन गया। उसके बाद मुझे ट्रिम करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, और इसके बाद मुझे ये काटना है, ये काटना है और ये काटना है, इतना ऑपरेशन करने के बाद वो बनता है। तो फिलेट कमांड हमें आसानी देता है, लेकिन अगर आप ट्रिम करने के बाद ये वाला जो कोना है वो भी रखना चाहते हैं, वो ट्रिम करना नहीं चाहते हैं, तो उसको अनट्रिम मोड बोलते हैं। तो ये भी फिलेट में होगा। ये कैसे करेंगे ये देखते हैं कि जब आप फिलेट कमांड देते हैं तो यहां ट्रिम करके आता है, ये ट्रिम या नो ट्रिम, तो यहां मैं नो ट्रिम दबाता हूं, बाद में मैं रेडियस दबाता हूं, रेडियस के बाद में 100 करता हूं और यहां दोनों को क्लिक करता हूं, यहां और यहां, तो वो वाला पोर्शन ट्रिम नहीं होता है, तो नो ट्रिम लिखा है। अगर ट्रिम लिखा है तो वो अपने आप ट्रिम भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन अपने पास फिलेट में उपलब्ध है। दूसरी एक बात, ये जो हमने बनाया उसमें ये अलग चीज है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। आप अगर चाहें तो अलग तरीके से भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिलेट करके। आप जब इसमें पॉलीलाइन दबाते हैं तो आप यहां नहीं कर सकेंगे, आप क्लिक करेंगे ना बोलेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज नॉट ए 2D पॉलीलाइन, ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज नॉट ए 2D पॉलीलाइन। इसका मतलब है कि अगर हमें पॉलीलाइन वाला ऑप्शन यूज करना है तो लाइन के ऊपर उससे ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो उस वक्त हमें पॉलीलाइन पे फिलेट बनानी है
तो पहले वो पॉली लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी एक, ठीक है, ये 250, बाद में समझो मैं यहाँ जाता हूँ 200, और बाद में यहाँ जा रहा हूँ 250, ऐसा मैं बनाया समझो। और जब यहाँ मैं फिलेट कमांड दूंगा तो ये फिलेट में यहाँ मुझे पहले पॉली लाइन सिलेक्ट करना है, पॉली लाइन रेडियस, और यहाँ समझो मैं अभी 50 की रेडियस दे रहा हूँ, और ये सिलेक्ट पूछ रहा है, मैं सिलेक्ट करूँगा तो जितने भी कोने आ रहे हैं सभी जगह एक साथ लगा दो। ये समझो आपने ऐसी पॉली लाइन बनाई जिसमें 50 बैंड आ रहे हैं तो सभी जगह एक साथ वो बना देगा। तो पॉली लाइन बनाने का ये भी फायदा है, लाइन से आपको हर एक बार दो दो लाइन सिलेक्ट करनी है, पॉली लाइन में एक क्लिक करो वो अपने आप सब पूरे का पूरा बैंड सिलेक्ट करके डाल देंगे। तो ठीक इसी तरह से दूसरा भी हमारे पास जो कमांड है ये है फिलेट, सॉरी चैम्फर, चैम्फर भी ऐसे ही करते हैं, चैम्फर डालते हैं तो उसमें आपको एंगल से डाल सकते हैं, इसमें भी पॉली लाइन है। मैं पहले पॉली लाइन वाला इसमें बताता हूँ, पॉली लाइन बनी हुई है, पॉली लाइन इसमें आप समझो एंगल डालो, एंगल या स्पेसिफाई चैम्फर लेंथ ऑन द फर्स्ट लाइन, समझो मैं उसको 25 पे रखता हूँ, दूसरे में भी 25 पे रखता हूँ, सिलेक्ट पॉली लाइन ना, तो 25 ये अपने आप बना दिया उसने, जो भी है वहाँ उसने काट छाट के बना दिया, ठीक है। फिर से चैम्फर, चैम्फर यहाँ से ही करता हूँ, चैम्फर ये पॉली लाइन, पॉली लाइन में आप डिस्टेंस से जाइए, डिस्टेंस समझो के 100 का डालते हैं क्योंकि दिखेगा कुछ 100 का, तो पॉली लाइन सिलेक्ट करते हैं, देखिए ये बन गया सीधा 100 का, दोनों अच्छा नहीं रहता है। फिर से एक बार चैम्फर डिस्टेंस 50 का रखते हैं और पॉली लाइन में जाते हैं, ठीक है 50-50 का ही है, और इसको सिलेक्ट करते हैं, देखिए इसी बार 100 था ना, तो 200 की लाइन थी तो पूरा दोनों एंड। तो इसी हिसाब से जहाँ जहाँ भी कोना आ रहा है वहाँ 50-50 का करके वो ट्रिम कर रहा है। तो चैम्फर से हम जो दो लाइन है उनका जंक्शन पॉइंट है वहाँ कुछ स्ट्रेट पोर्शन डालना है तो चैम्फर से डाल सकते हैं, सर्कुलर पोर्शन डालना है वो फिलेट से डाल सकते हैं। तो ये हमने मॉडिफाई के ही कमांड देखे, ठीक है, तो मॉडिफाई में हम काफ़ी कमांड देख चुके हैं, और कौन से बाकी है उसका अभी प्रयास करते हैं। अभी एक कमांड है उसका हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, बाद में अभी स्टॉप कर देंगे क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। अभी हमने जो ये चैम्फर किया पॉली लाइन पे ही किया, लाइन पे भी ऐसा ही होगा, मैं लाइन पे भी एक बार करके दिखाता हूँ उसके बाद दूसरा वाला कमांड दिखाता हूँ। समझो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये छोटी सी लाइन यहाँ से ऐसे गई है, ये 250 की है, और दूसरी यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से इससे इधर डायरेक्शन में, और इसके बीच में मैं चैम्फर डालता हूँ, कितना डालता हूँ क्योंकि इसका डिस्टेंस या एंगल ही करता है, एंगल मुझे चाहिए, चैम्फर लेंथ है वो 25 की है और एंगल है 45 का है, और पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, उसमें ज़्यादा माथापच्ची ज़्यादा है, देखिए ऊपर का पोर्शन है वो काट लेता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाए, लेकिन आप लिस्ट करेंगे तो ये लिस्ट करेंगे तो ये दिखाता है ये पॉली लाइन है, ये LW पॉली लाइन उसका नाम है, और इसको लिस्ट करेंगे तो ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, देखिए लाइन लाइन लाइन, तो पॉली लाइन है उसमें से अगर मुझे लाइन बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, पॉली लाइन को मुझे लाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो आपको सिखाया मैंने कि ये आप एक्सप्लोर कमांड दबाइए और पॉली लाइन को सिलेक्ट कीजिए और एंटर दबाइए, तो ये लाइन बन गई, पहले वो पॉली लाइन थी, अभी आप लिस्ट करके देखिए तो ये आपको लाइन दिखाएगी, ये देखो अलग अलग हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 सब देखेंगे लाइन 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 सब लाइन। तो पॉली लाइन को लाइन बनाने के लिए हमें एक्सप्लोर करना है, लेकिन जो लाइन बनी हुई है उसको अगर मुझे पॉली लाइन बनाना है तो क्या करूंगा, क्योंकि दोनों चाहे रिवर्स में भी कुछ चीज होनी तो चाहिए, तो उनके लिए जो कमांड है उसको पी मतलब पॉली लाइन का नाम पी और उसके बाद एडिट, पी एडिट बोलते हैं, पॉली लाइन एडिट एडिट, एंटर दबाते हैं तो पूछते हैं कि आप सिलेक्ट पॉली लाइन, तो मैं मुझे पॉली लाइन नहीं है मैं तो ये सिलेक्ट कर देता हूँ, तो तरह पूछता है
ये जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो पॉलीलाइन नहीं है, आपको क्या पॉलीलाइन बनानी है? यस और नो पूछा है, तो आप उसको एंटर दबाइए। तो बोलेगा क्या अभी और क्या करना है, तो मैं बोलूंगा इसमें ज्वाइन करना है मुझे, इसके साथ ज्वाइन, किसको ज्वाइन करना है, तो इसके साथ ज्वाइन करनी है मुझे, और एंटर दबा दिया और फिर से एंटर दबा दिया। तो अभी ये फिर से पॉलीलाइन बन गई। देखिए लिस्ट करके देखिए, LW पॉलीलाइन। तो अगर कोई पॉलीलाइन बनी हुई है या कोई ब्लॉक बना हुआ है या ग्रुप बना हुआ है, उसको आप एलिमेंट में डिस्ट विभाजित करना है तो आप एक्सप्लोर से विभाजित कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग लाइन है उसको आप पॉलीलाइन बनाना चाहो तो आप पेडिट से बना सकते हैं। अलग अलग ब्लॉक हैं उसको आप एक्सप्लोर से अलग अलग एलिमेंट में डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग एलिमेंट को जोड़ के आप ब्लॉक बनाना चाहो तो आप ब्लॉक कमांड से बना सकते हैं। और ब्लॉक कैसे बनता है वो भी हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, आज मैं यहां तक रखता हूं। आपने आज जो भी कमांड देखे एकदम एकदम बेसिक डिब्बे ही सिखा रहा हूं, समझिए आप। ड्रॉ कमांड में ज्यादातर जितना चाहिए वो सीख चुके हैं, मॉडिफाई में भी जितना चाहिए जितना सीख चुके हैं, लेयर में भी जितना अभी हमें चाहिए उतना सीख चुके हैं, और ब्लॉक में भी काफी हद तक हम सीख चुके हैं। प्रॉपर्टीज में भी यहाँ जो मैं कलर लेयर और लाइन वेट ये वाली चीज जो है ये भी मैं सिखा चुका हूँ। ग्रुप जिसे ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो बाद में जरूर पड़ेगी तो मैं डिब्बा दिखा दूंगा जब जरूरत पड़े। और ब्लॉक यहाँ जो एनोटेशन है वहां एक डायमेंशन वाला पोर्शन हमारा बाकी है, टेक्स्ट हम सीख चुके हैं लेकिन डायमेंशन वाला पोर्शन, इसके लिए अभी हम नेक्स्ट जब भी मिलेंगे तब हम डायमेंशन के बारे में चर्चा करें। और इसके लिए मैं कोई प्री रेडीमेड ड्रॉइंग लाऊंगा, वहां ड्रॉ किया हुआ होगा, कैसे ड्रॉ करना है वो बाद में सीख लेंगे, मैं अभी ड्रॉइंग करके लाऊंगा, सिर्फ डायमेंशन बाकी होंगे। तो डायमेंशन अलग अलग प्रकार के डायमेंशन डाल के हम उसका अभ्यास करेंगे। अभी यहाँ मैं ये मेरा लेक्चर खत्म करता हूँ। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या क्या उसमें सुविधा लगी दुविधा लगी वो मुझे आप फीडबैक देके बताना। और ये मैं यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी